प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं व्याख्याता शंकर सिंह, 11 आरपीएस स्कूल मंडावा, वर्तमान में राजस्थान डिफेंस एकेडमी चोरू की डिजिटल क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने पुनः एक नया विषय हिंदी व्याकरण में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। विषय का नाम है वाक्य विचार। वाक्य किसको कहें? तीन चरण है, वर्ण, शब्द और वाक्य। प्रश्न उमड़ता है कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। मैंने आपको पहले बताया था वर्ण विचार में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण, जिसके और टुकड़े न हो, यानी मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण। और वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द। और शब्दों का समूह क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। तो यही बात यहाँ पर मैंने आपके सामने स्पष्ट की है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं, तथा शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ध्यान रखो कि छोटी सी परिभाषा, शब्दों का जो सार्थक समूह है उसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कह देते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे शरीर के भी विभिन्न अंग हैं, वैसे ही वाक्य के भी दो अंग होते हैं। वाक्य के भी दो अंग होते हैं, पहला कौन सा, उद्देश्य, और दूसरा कौन सा, विधेय। दो अंग, उद्देश्य और विधेय। अब बात आती है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य जिसके संबंध में कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य। अर्थात तो वाक्य में जो कर्ता है उसी को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। कर्ता के विषय में तो कहा जाएगा, जिसके संबंध में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। और वाक्य का कर्ता ही क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। कभी कभी कर्ता के साथ विस्तार आ जाता है, तो उस समय असमंजस की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, उद्देश्य वही है। जैसे मैं कहूं कि प्रशांत पुस्तक पढ़ता है, किसकी बात चल रही है, प्रशांत की बात चल रही है, उद्देश्य। लेकिन मैं ये कहूं कि मेरा भाई प्रशांत पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें मेरा भाई क्या है, मेरा भाई केवल कर्ता का क्या गया है, विस्तार है, विशेषता है, उद्देश्य तो इसमें क्या रहेगा, प्रशांत ही रहेगा। ऐसे ही विधेय, उद्देश्य, विधेय किसको कहेंगे, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। कर्ता के संबंध में क्या कहा जाएगा, जैसे मैंने कहा कि प्रशांत पुस्तक पढ़ता है, अब प्रशांत करता है तो उसके विषय में क्या कहा गया है, पुस्तक पढ़ना, तो वो क्या हो गया, उसका विधेय हो गया। समझ गए मेरी बात को, कर्ता है वही क्या है, उद्देश्य है, और कर्ता के संबंध में जो बात कही जाती है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। जैसे प्रशांत पुस्तक पढ़ता है तो प्रशांत यहां पर उद्देश्य हो गया और पुस्तक पढ़ना उसका क्या है, विधेय है। तो अब हम चलेंगे वाक्य रचना में। वैसे वाक्य के कई भेद हैं, लेकिन एक भेद ये है, कौन सा, रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तीन ही प्रकार के वाक्य हैं रचना के आधार पर। वैसे वाक्य के भेद कोई आपसे पूछे कि तीन प्रकार के वाक्य हैं, गलत बात। पहला भेद यहां पर, दूसरा भेद है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो आपके पाठ्यक्रम में है वो तीन ही वाक्य हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आपके जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कोई भी उदाहरण आया, पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर इसमें वाक्य का नाम क्या है, या रचना के आधार पर इनमें कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है। तब आपको इनकी जानकारी है, तब आप उसका उत्तर दोगे कि भाई इसमें साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर क्या है, संयुक्त वाक्य। तो साधारण वाक्य की सीधी सी परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही क्या हो, विधेय हो, एक ही कर्ता हो और उसके संबंध में एक ही क्या है, बात कही गई हो, उसको क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। किसको कहेंगे साधारण वाक्य,
कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो, विधेय हो, उसको क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। जैसे सीधी सी बात है, नीता खाना बना रही है, नीता यहाँ पर उद्देश्य है, खाना बना रही उसका क्या है, विधेय। एक ही उद्देश्य और एक ही क्या है इसमें, विधेय, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, साधारण वाक्य। नीता कर्ता हो गई, खाना उसका कर्म है, या यो कहिए कि उसके विषय में एक ही बात कही गई है, वो क्या कर रही है, खाना बना रही। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो, विधेय हो, उसको हम क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। दूसरा वाक्य मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। एक तो प्रधान यानी मुख्य वाक्य हो और दूसरा उस पर क्या हो, आश्रित वाक्य, उपवाक्य, सॉरी, एक तो प्रधान मुख्य बात हो और दूसरी उस पर क्या हो रही हो, आश्रित हो रही हो, उसको क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो एक नीति परक बात है, लेकिन इससे पहले ये जोड़ दिया कि गांधी जी ने कहा, अब गांधी जी ने कहा ये प्रधान हो गया और इस पर आश्रित क्या हो गया, सदा सत्य बोलो। ये यानी एक तो प्रधान हो गया, गांधी जी ने कहा ये मुख्य हो गई, और आगे वाली बात इस पर क्या हो गई, आश्रित हो गई, क्या कि सदा सत्य बोलो। तो यही बात, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। जैसे गांधी जी ने कहा यहाँ पर प्रधान है और सदा सत्य बोलो इस पर क्या है, आश्रित है, इसलिए गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये क्या है, मिश्र वाक्य। अब प्रश्न मन में उठता है कि प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है, तो इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी जरूरी है। बात आपको केवल इस बात पर ध्यान देनी है, यहां पर मैंने आपके सामने दो शब्द लिखे हैं, क्या है ये दो शब्द, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, अब इसमें क्या है, गांधी जी ने कहा प्रधान हो गया और सदा सत्य बोलो इस पर क्या है, आश्रित है, ये प्रधान हो गया और ये बात इस पर क्या हो रही है, आश्रित हो रही है। तो अब आप समझ गए कि एक वाक्य पर दूसरा क्या हो रहा है, निर्भर हो रहा है, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या है, निर्भर है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक प्रधान कह दिया, दूसरा उस पर क्या है, आश्रित, इसीलिए इसको नाम दे दिया क्या, मिश्र वाक्य का। अब थोड़ी सी जान एक पंक्ति में मैं इस बात को आपको पूरा करूंगा कि प्रधान उपवाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बना हो, मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बना हो, उसको तो क्या कहेंगे हम, प्रधान उपवाक्य कहेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा, ये क्या है, मुख्य उद्देश्य से, वैसे तो सदा सत्य बोलो एक नीति परक बात है, लेकिन यहाँ पर मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से क्या है, इसको बना दिया, तो ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। दूसरा आश्रित, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर क्या हो, आश्रित हो, अब सदा सत्य बोलो इस पर क्या है, पूर्णतया आश्रित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। हाँ, मैंने आपको बताया कि संज्ञा उपवाक्य तीन होते हैं, विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक बार मैं इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ, इसका थोड़ा सा पार्ट है, मैं आगे वाले भाग में आपको बताऊंगा, तब तक धन्यवाद।